हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वियतनाम की सड़कें आपको दिखाते हैं, थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। जूस हमने लिया है, जूस लिया है हमने भाई यहाँ पे 25-25 का पड़ा ना हमें। हाँ, 25-25 25,000 डोंग का पड़ा है, तो कन्वर्ट कर लेना, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत अच्छा है, फ्रेश जूस है भाई। और ये हमारे भाई आज पहली बार इंडिया से बाहर आए हैं, और ये आपको अपना एक्सपीरियंस हमें डिटेल में आपको आइडिया देते हैं कि क्या क्या इनके साथ हुआ आज। तो ये आए हैं दिल्ली से, आए हैं होचीमिन सिटी, वेट जेट एयरलाइन से ना, वेट जेट से आए हैं। तो भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है भाई, मत लेना पहली बात तो बेकार एक्सपीरियंस है। मैंने यही सुना है, नॉर्मली सब लोग कहते हैं बहुत बेकार है। और बताओ। एक तो मतलब रात की तो बिल्कुल ही मत लेना, रात की बिल्कुल मत लो, और वो रात को ही चलती है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रात की है। अच्छा, और क्लियरेंस तो है ही नहीं। ठीक है, चलो तो है ही नहीं। पहले आप शुरू से बताओ कि आपका इमिग्रेशन और आपका चेक इन में क्या पूछा उन्होंने? चेक इन में भाई उन्होंने पूछा मेरे से कुछ नहीं, कि बस टिकट वीजा देगा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप क्योंकि ये भाई आगे बैंकॉक भी जा रहे हैं, तो उन्होंने बैंकॉक की टिकट देखी आपसे? नहीं, उन्होंने बैंकॉक की टिकट नहीं देखी, बस उन्होंने ये कहा कि आप 30 तारीख को बैंकॉक भी जा रहे हैं। हाँ, मैंने कहा हाँ, और उस वक्त उन्होंने बाद में कहा कि आप फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, बस यही में से यही क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी ने। अच्छा, तो बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि इनकी इसके आगे भी फ्लाइट थी। हाँ, और उसके बाद इमिग्रेशन पे आ जाइए। इमिग्रेशन पे क्या पूछा? क्योंकि पहली बार जा रहा है बंदा, तो जो जो बंदे देख रहे हैं जिनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पहली बार क्या पूछते हैं। इमिग्रेशन में भी कुछ नहीं, बस उन्होंने डिटेल्स देखी और उन्होंने यही पूछा कि आप उसके आगे कहाँ जा रहे हो। हाँ, और क्योंकि मेरे आगे की बैंकॉक की थी, तो उन्होंने कहा कि बैंकॉक, मैंने कहा बैंकॉक जा रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो। मैंने बस यही क्वेश्चन पूछे, और वियतनाम में आगे भी कुछ नहीं पूछा। अच्छा, फिर ये आ गए हैं वियतनाम में। वियतनाम में भी इन्होंने सिर्फ अपना पासपोर्ट दिया है और वीज़ा की कॉपी दी है, और कुछ नहीं इनसे पूछा, कुछ नहीं। काफ़ी स्मूथ इमिग्रेशन था। अब आ जाते हैं फ्लाइट पे। ये कह रहे हैं कि भाई इवन इसकी फ़्लाइट इन्होंने बुक कराई थी 6,000 रुपये की, तो सस्ती फ्लाइट है ये, आप बोल सकते हैं बजट एयरलाइंस की फ़्लाइट हैं। हाँ, तो भाई थोड़ा हम फुटपाथ पे थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, मतलब थोड़ा फुटपाथ पे, फुटपाथ साफ नहीं कर रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, तो भाई फ्लाइट का इसका एक्सपीरियंस है, भाई बताएंगे कि बहुत ही गंदी फ्लाइट थी। आप शायद कह रहे थे कि 3 घंटे तक तो उन्होंने लाइटें डिम भी नहीं करी। हाँ, रात के 3 बजे तक कोई डिम लाइट नहीं हुई। सर्विस तो बहुत ही स्लो है, मत लेना, उनको समझ में नहीं आता पहली बात तो। फिर ठीक है, और लेग स्पेस तो है ही नहीं, मतलब हम जैसे के लिए तो है। हाँ, तो भाई 2-3 हमें और भाई मिल गए अपने इंडियन भाई, जयपुर से आए हुए, अभी आए हुए हैं, तो पूछ रहे थे बेचारों को पता नहीं है आई थिंक, तभी मैं आपको बोलता हूँ भाई YouTube देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखो भाई, पूल खेल रहे हैं लोग, मेरी फेवरेट गेम है पूल चल रहा है मस्त। हाँ, देर भी है, ओ फिर आ जाओ भाई, कभी भी आ जाओ, अभी भी आ जाओ भाई, अभी आ जाओ, पहले रेट तो पूछ ले। रेट से क्या करेंगे भाई, खेलेंगे तो। अच्छा, तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई एक तो वेट जेट बहुत ही बेकार है, सर्विस कह रहे हैं इतनी बेकार थी कि वो आंसर ही नहीं दे रहे थे आपका ना, आंसर ही नहीं दे रहे थे। उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है। हाँ, और मेन करेंसी की प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, क्योंकि आपको पैसे किस में देने, US डॉलर में देने या डोंग में देने? US डॉलर भी दे सकते हैं, डोंग भी दे सकते हैं, कोई सी भी दे सकते हैं, पर इंडियन रुपीस? इंडियन रुपीस नहीं, नो कार्ड, और फिर वो कन्वर्ट नहीं, और कन्वर्ट करके दे रहे हैं आपको? वो कन्वर्ट करके वो कहते हैं एक से वेट करो, फिर वो लोगों से मांगते हैं। अच्छा, फिर वो आपको कन्वर्ट करके देंगे, तो लोगों से मांग मूंग के आपको आधे घंटे बाद देंगे। और इन्होंने ये कहा कि सर्विस मतलब बहुत स्लो है, एक घंटे के बाद बंदे के बाद टाइम मिल रहा है, राइट? 3-3 बजे तक लगा लो आपकी लाइटें ऑन है। हाँ, उतने देर में तो फ्लाइट ही, थोड़ी देर में बस लैंड ही हो गई थी हमारी। हाँ, सोने का टाइम आया, जब तक मतलब रात की फ्लाइट, अगर रात की फ्लाइट में लाइटें बंद ना हो तो फिर उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लोगों का सुना है, और भाई तो अभी आए हैं हमने रेड जेड से बता रहे हैं, तो यही है कि बहुत बेकार है, पर यही है कि भाई सस्ती है। अब लोगों को मैनेज करना है बजट, 5,000, 6,000, 10,000, 7,000 में आपको टिकट मिल रही है होचीमिन की। सीट किसी को एक्सचेंज करानी हो लेग स्पेस के लिए,
तो बहुत डबल चार्जेस लेते हैं। अच्छा, मेरे साथ वाले ने हाँ। भी, मैं भी लंबा हूँ, वो भी लंबा था, तो लेग स्पेस तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, हमारे लिए तो, और तो भाई हाँ लेग स्पेस नहीं है क्योंकि भाई 3x3 प्लेन है, बहुत छोटा वाला प्लेन है, छोटा वाला है। और उन्होंने जब एक्सचेंज करने के लिए बोला हाँ कि एक्सचेंज कर दो, तो $18 की दे रहे हैं वो सीट, $18 की हाँ। तो ऑलमोस्ट की डबल कहते 1500 हाँ, डबल प्राइस। तो ये ध्यान रख लेना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। बाकी मस्त है, एयरपोर्ट से ये अपने भाई टैक्सी लेके आ गए, मस्त अपनी 1,00,000 तक की टैक्सी मिल जाती। अभी हम आपको पूरा करेंसी का कन्वर्जन करके सारी डिटेल देंगे। 25,000 का जूस है भाई, हाँ 25,000 का जूस है, तो कन्वर्ट कर लो हाँ। तो भाई अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर, लाइक करो, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय।